दोस्तों पूरी दुनिया में आज क्रिकेट को सबसे ज्यादा पसंद भारत में किया जाता है। आज फिल्मी सितारों से ज्यादा सुर्खियां एक क्रिकेटर बटोरता है। दौलत के मामले में भी भारतीय क्रिकेटर्स के सामने दुनिया का कोई दूसरा क्रिकेटर नहीं टिक पाता है। भारतीय खिलाड़ियों पर फैंस जान छिड़कते हैं, लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि आखिर ये खिलाड़ी किस पर अपनी जान छिड़कते हैं? यहाँ हम टॉप इंडियन प्लेयर्स की लाइफ पार्टनर्स के बारे में बात कर रहे हैं। वैसे तो विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा जैसे बड़े बड़े सुपरस्टार्स खिलाड़ियों की वाइफ्स अक्सर सुर्खियों में बनी रहती हैं और लोगों को इनके बारे में मालूम भी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ईशान शर्मा, रॉबिन उथप्पा, सुरेश रैना और जहीर खान जैसे खिलाड़ियों की वाइफ का नाम क्या है और ये क्या करती हैं? और क्या बता सकते हैं कि किस क्रिकेटर की वाइफ इंडियन बास्केटबॉल टीम की भी खिलाड़ी रह चुकी हैं और किस बल्लेबाज की वाइफ टेनिस खिलाड़ी रह चुकी हैं? अगर इन सवालों के जवाब आपको नहीं पता है तो फिर इस वीडियो में हमारे साथ आखिरी तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इंडिया के टॉप 20 क्रिकेटर्स की खूबसूरत लाइफ पार्टनर्स। अगर आपने हमारे चैनल प्राइम्स वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको हमारा कोई भी वीडियो मिल जाए तुरंत जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और टॉप 20 इंडियन प्लेयर्स की वाइफ्स के बारे में जानते हैं। नंबर 20, भुवनेश्वर कुमार। अपनी खतरनाक गेंदबाजी से भारतीय टीम में अपनी जगह पक्की करने वाले बेहतरीन तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार की वाइफ का नाम नुपुर नागर है। इन दोनों की शादी 2017 में हुई थी। ये बात बहुत कम लोगों को मालूम है कि भुवनेश्वर कुमार और नुपुर की दोस्ती बहुत पुरानी है। दरअसल जब भुवनेश्वर कुमार मेरठ में रहा करते थे तब नुपुर परिवार के साथ उनके पड़ोस में ही रहती थी। यहीं से 10-12 साल की उम्र में ही दोनों की दोस्ती शुरू हुई और धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल गई। आखिरकार भुवनेश्वर कुमार ने इस दोस्ती को ही रिश्ते में बदल दिया। नंबर 19, सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव उन चुनिंदा खिलाड़ियों में शामिल हैं जिन्होंने आईपीएल में अपनी लाजवाब बल्लेबाजी के दम पर भारतीय टीम में जगह बनाई है। फिलहाल सूर्य कुमार यादव भारतीय टीम का हिस्सा हैं और उन्हें भविष्य का स्टार भी माना जा रहा है। खैर, जब सूर्य कुमार यादव मशहूर नहीं हुए थे तभी उन्होंने 2016 में देविशा शेट्टी नाम की एक लड़की से शादी की थी। देविशा शेट्टी पेशे से एक डांस ट्रेनर है। मैच के दौरान अक्सर देविशा को मैदान पर सूर्य कुमार यादव का हौसला बढ़ाते हुए देखा जाता है। नंबर 18, जसप्रीत बुमराह। वर्तमान समय में भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाजों में से एक जसप्रीत बुमराह ने संजना गणेशन से शादी की है। संजना गणेशन पहले एक मॉडल हुआ करती थी, बाद में उन्होंने स्टार स्पोर्ट्स चैनल को ज्वाइन किया जहां पर वो बतौर होस्ट काम करने लगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक संजना गणेशन एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है। एक क्रिकेट मैच को कवर करने के दौरान ही संजना जसप्रीत बुमराह का दिल भी जीतने में कामयाब हुई थी। नंबर 17, रॉबिन उथप्पा। वीडियो की शुरुआत में हमने आपसे पूछा था कि क्या आप जानते हैं कि किस बल्लेबाज की वाइफ टेनिस प्लेयर रह चुकी हैं? तो आपको हम बता दें कि रॉबिन उथप्पा की वाइफ प्रोफेशनल भारतीय टेनिस प्लेयर रह चुकी हैं। रॉबिन उथप्पा की वाइफ का नाम शीतल गौतम है। इन दोनों की शादी 2016 में हुई थी। आपको शायद पता ना हो लेकिन शीतल गौतम ने अपने करियर में 5 सिंगल ITF टाइटल्स अपने नाम किए हैं। वहीं डबल्स में इन्होंने 13 ITF टाइटल्स जीते हैं। नंबर 16, इरफान पठान। एक समय भारतीय टीम के महत्वपूर्ण हिस्सा रहे ऑलराउंडर इरफान पठान की वाइफ का नाम शफा बेग है। शफा बेग का जन्म सऊदी अरब के जद्दा शहर में हुआ था। इन दोनों की शादी 2016 में हुई थी। वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक इन दोनों की पहली मुलाकात दुबई में 2014 में हुई थी। उसी के बाद ये लगातार एक दूसरे को डेट करने लगे और फिर इन्होंने शादी कर ली। नंबर 15, दिनेश कार्तिक। दिनेश कार्तिक की वर्तमान पत्नी का नाम दीपिका पालिका पल्लिकल है। दीपिका पल्लिकल इंटरनेशनल स्क्वैश प्लेयर है। उन्होंने कई बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। वैसे हमने दीपिका पल्लिकल को दिनेश कार्तिक की वर्तमान पत्नी इसीलिए बताया क्योंकि दीपिका से पहले दिनेश कार्तिक की पत्नी निकिता हुआ करती थी। आप जानकर शॉक्ड रह जाएंगे कि कभी दिनेश कार्तिक की पत्नी रही निकिता अब मुरली विजय की पत्नी है। निकिता और दिनेश कार्तिक की शादी 2007 में हुई थी। फिर निकिता का दिल भारतीय टीम के ही दूसरे खिलाड़ी मुरली विजय पर आ गया और फिर 2012 में निकिता ने दिनेश कार्तिक से डिवोर्स लेकर मुरली विजय से शादी कर ली। क्या बात है भाई, इस पर आपका क्या कहना है जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। नंबर 14, जहीर खान। भारतीय टीम के महानतम तेज गेंदबाज और 2011 50-50 वर्ल्ड कप जिताने में अहम भूमिका निभाने वाले जहीर खान की वाइफ का नाम सागरिका घाटगे है। सागरिका घाटगे पेशे से एक मॉडल है। वहीं उन्होंने चक दे इंडिया समेत कई बॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया है। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि फिल्मी दुनिया में आने से पहले सागरिका घाटगे नेशनल लेवल की हॉकी प्लेयर भी रह चुकी हैं। वहीं इन्होंने मशहूर फिल्म चक दे इंडिया में भी एक हॉकी प्लेयर का ही किरदार निभाया था। जहीर खान और सागरिका घाटगे की शादी 24 अप्रैल 2017 को हुई थी। नंबर 13,
स्टुअर्ट बिन्नी। ऑलराउंडर स्टुअर्ट बिन्नी की वाइफ का नाम मयंती लैंगर है। ये पेशे से एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं और अक्सर आईपीएल के दौरान टीवी पर दिखाई देती हैं। लेकिन ये वहाँ बतौर दर्शक नहीं बल्कि अपने काम के सिलसिले में होती हैं। नंबर 12, युवराज सिंह। यूवी सिक्सर किंग के नाम से मशहूर युवराज सिंह की वाइफ का नाम हेजल कीच है। ये भी पेशे से एक मॉडल हैं और इन्होंने भी कुछ भारतीय फिल्मों में काम किया है और ये जोड़ी द कपिल शर्मा शो में भी आ चुकी है। नंबर 11, हरभजन सिंह। दिग्गज स्पिनर हरभजन सिंह की वाइफ का नाम गीता बसरा है। इनका भी संबंध बॉलीवुड से ही है। इन्होंने भी कई बॉलीवुड फिल्मों में काम किया है। नंबर 10, यजुवेंद्र चहल। वर्तमान समय में भारतीय टीम के प्रमुख स्पिनर यजुवेंद्र चहल की वाइफ का नाम धनश्री वर्मा है। धनश्री एक डांसर है और यूट्यूब पर इनकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है और वहीं इंस्टाग्राम पर भी उनके चाहने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है। नंबर 9, रविचंद्रन अश्विन। भारत के बेहतरीन स्पिनर्स में से एक रविचंद्रन अश्विन की वाइफ का नाम प्रीति नारायणन है। इन दोनों की शादी 2011 में हुई थी। प्रीति नारायणन पेशे से एक इंजीनियर है। इन्होंने SRM यूनिवर्सिटी से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में BTech की डिग्री हासिल की है। नंबर 8, अजिंक्य रहाणे। अजिंक्य रहाणे की वाइफ का नाम राधिका धोपावकर है। राधिका और अजिंक्य रहाणे बचपन के दोस्त हैं और इन दोनों की शादी 26 सितंबर 2014 को हुई थी। नंबर 7, ईशांत शर्मा। वीडियो में अगर आपने शुरू में ध्यान दिया होगा तो हमने शुरू में ही पूछा था कि कौन से भारतीय क्रिकेटर की वाइफ इंडियन बास्केटबॉल टीम की खिलाड़ी है, तो आपको बता दें कि उस खिलाड़ी का नाम ईशांत शर्मा ही है। इनकी वाइफ इंडियन बास्केटबॉल टीम की खिलाड़ी रही है। ईशांत शर्मा की वाइफ का नाम प्रतिमा सिंह है। प्रतिमा सिंह लंबे समय तक भारतीय बास्केटबॉल टीम का हिस्सा रही हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि प्रतिमा भले ही बास्केटबॉल टीम से रिटायर हो चुकी हैं, लेकिन इनकी अभी 3 बहनें इंडियन वुमेन्स नेशनल बास्केटबॉल टीम की हिस्सा हैं। प्रतिमा ने 10 दिसंबर 2016 को ईशांत शर्मा से शादी की थी। नंबर 6, सुरेश रैना। कुछ साल पहले तक भारतीय टीम के अहम हिस्सा रहे सुरेश रैना की वाइफ का नाम प्रियंका चौधरी है। प्रियंका पेशे से एक बैंकर है। सुरेश रैना और प्रियंका का परिवार काफी सालों से एक दूसरे को जानता था और दोनों परिवार में पहले से ही अच्छी खासी दोस्ती थी। बाद में परिवार वालों ने यह फैसला किया कि इस दोस्ती को क्यों न रिश्ते में बदल दिया जाए और इसके बाद इन दोनों की शादी हुई थी। इन दोनों की शादी 3 अप्रैल 2015 को हुई थी। 2016 में सुरेश रैना पिता बने थे। इनकी बेटी का नाम ग्रेसिया रैना है। नंबर 5, रविंद्र जडेजा। दुनिया के बेहतरीन ऑलराउंडर्स में से एक और भारतीय टीम के अहम हिस्सा रविंद्र जडेजा की वाइफ का नाम रीवाबा सोलंकी है। इन दोनों की शादी 2016 में हुई थी और रविंद्र जडेजा की वाइफ पेशे से एक मैकेनिकल इंजीनियर है। इन्हें भी अक्सर स्टेडियम में रविंद्र जडेजा का हौसला बढ़ाते हुए देखा जाता है। ये दोनों अक्सर अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट करते रहते हैं जिसे फैंस खूब पसंद करते हैं। नंबर 4, हार्दिक पांड्या। ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या की लाइफ पार्टनर का नाम नताशा स्टैनकोविक है। नताशा मूल रूप से सर्बिया की रहने वाली हैं। नताशा पेशे से एक मॉडल हैं और उन्होंने कई बॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया है। वो अपने फिल्मी करियर को चमकाने के चक्कर में ही भारत आई थी। इसी दौरान इनकी मुलाकात हार्दिक पांड्या से हुई और फिर दोनों ने शादी कर ली। 30 जुलाई 2020 को हार्दिक पांड्या पिता भी बने। इनके बेटे का नाम अगस्त्य है। नंबर 3, रोहित शर्मा। सुपरस्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा ने 2015 में रितिका सचदेव से शादी की थी। रितिका पेशे से एक स्पोर्ट्स मैनेजर है। रोहित शर्मा और रितिका की पहली मुलाकात 2008 में हुई थी। तब रोहित शर्मा एक एड शूट के लिए गए हुए थे। पहली ही मुलाकात में दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे थे। फिर दोनों समय समय पर मिलते रहते थे। धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। 6 साल तक एक दूसरे को डेट करने के बाद रोहित शर्मा और रितिका सचदेव ने 13 दिसंबर 2015 को शादी कर ली। रोहित शर्मा की फिलहाल एक बेटी है जिसका नाम समायरा शर्मा है। नंबर 2, महेंद्र सिंह धोनी। जितने मशहूर महेंद्र सिंह धोनी हैं, उनकी पत्नी भी उतनी ही लोकप्रिय है। जब भी महेंद्र सिंह धोनी मैदान पर होते हैं तो महेंद्र सिंह धोनी की वाइफ को भी मैदान पर देखा जाता है। वैसे जो लोग नहीं जानते उन्हें हम बता दें कि महेंद्र सिंह धोनी की वाइफ का नाम साक्षी रावत है। साक्षी धोनी ने इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट औरंगाबाद से होटल मैनेजमेंट में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है। महेंद्र सिंह धोनी एक बच्ची के पिता भी हैं। इनकी बेटी का नाम जीवा है। वैसे कुछ मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक धोनी जल्द ही दूसरी बार पिता बनने वाले हैं। नंबर 1, विराट कोहली। शायद ही कोई ऐसा इंडियन क्रिकेट फैन होगा जिसे विराट कोहली की वाइफ का नाम नहीं पता होगा। फिर भी आप सोच रहे होंगे कि जब विराट कोहली की वाइफ का नाम सबको मालूम ही है तो हम यहाँ ऐसा क्यों बता रहे हैं। दोस्तों, अगर इनका नाम इस लिस्ट में ना बताया जाए तो शायद ये वीडियो अधूरा रह जाएगा। नाम बताने का मकसद ये भी है कि अगर किसी को विराट कोहली की वाइफ का नाम नहीं मालूम होगा तो वो भी जान जाएगा। खैर, विराट कोहली की वाइफ का नाम अनुष्का शर्मा है। अनुष्का शर्मा पेशे से एक एक्ट्रेस हैं और बॉलीवुड में अनुष्का शर्मा एक बहुत बड़ा चेहरा है।
कुछ समय तक एक दूसरे को डेट करने के बाद अनुष्का शर्मा ने 11 दिसंबर 2017 को विराट कोहली से शादी की थी। 11 जनवरी 2021 को विराट कोहली पिता भी बने और विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की बेटी का नाम वामिका कोहली है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। इनमें से सबसे खूबसूरत जोड़ी आपको कौन सी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और साथ ही भारतीय टीम में से आपका फेवरेट प्लेयर कौन है वो भी बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर भी कीजिए और अगर आप चाहते हैं कि आपको हमारा वीडियो तुरंत मिल जाए जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें तो इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना पड़ेगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए प्राइम्स वर्ल्ड को दीजिए इजाजत। शुक्रिया।